सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी एटीएस को, और यूपी एटीएस के बारे में आपको एक एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि 99% लोगों को इनके बारे में नहीं जानकारी है। अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से जो सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने वाले जा रहे हैं जो लोग, उनमें यूपी एटीएस सबसे अहम भूमिका निभाने वालों में से एक है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं इनके बारे में आपको कुछ जानकारियां देता हूं। ज़्यादा जानकारी देना सही नहीं रहेगा, इसलिए आपको यहां पर उतनी ही जानकारी मैं दूंगा जितनी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जैसे इनके वेपन सिस्टम को अगर आप देखें, पूरा का पूरा जो वेपन सिस्टम है बहुत एडवांस है, और आप कह सकते हैं कि दुश्मन, खास तौर पर जब ये महिंद्रा मार्क्समैन के अंदर बैठे हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप इनकी पूरी की पूरी वर्दी को देखें, वेल इक्विप्ड है, MP5 गन जो मशीन और एक तरीके से पिस्टल का कॉम्बिनेशन है, और एक लाइट मशीन गन से भी हल्की है। जो तस्वीर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, उसमें आप यही MP5 गन देख रहे हैं जो 20 से 100 मीटर तक की रेंज है इसकी शूट करने की, और एक मिनट के अंदर 600 से 800 गोलियां फायर कर सकती है, पर खच्चे उड़ा देगी दुश्मन के। दूसरी तरफ आप ये ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल देख रहे हैं, और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल अगेन एक एडवांस वर्जन है। हालांकि ग्लॉक पिस्टल के कई सारे वर्जन्स हैं, जनरेशन्स अलग अलग हैं, लेकिन ये भी एक एडवांस वेपन सिस्टम है जिसको ये कैरी करते हैं। जो डैगर यानी जो चाकू आप इनके खंजर एक तरीके से जो लगा हुआ देख रहे हैं इनकी बेल्ट पर, ये अपने आप में बहुत हैवी होता है, और इसका एक वार दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। ये इनकी वेपन सिस्टम का हिस्सा है। जब गुत्थम गुत्था एक तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए, तो आप डैगर की मदद से पूरी तरीके से अपने दुश्मन को ख़त्म करने का दम रखते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके ग्लासेस देखेंगे तो ये अगेन बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये किसी भी तरह के स्मोक स्प्रे, किसी भी तरह के धुएं को इनकी आंखों में पहुंचने से रोक देते हैं, और आपका विजन कभी भी कॉम्बैट के टाइम पर ब्लर नहीं होता है, या आपकी आंखों को सामने वाला किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी जो ये वर्दी है, इसमें आप एक ये बुलेट प्रूफ जैकेट देख रहे हैं, और ये AK-47 तक से निकली हुई गोलियों को रोकने की क्षमता रखती है। ये इनके बैक साइड में भी है, ये इनके फ्रंट साइड में भी है, और ये इन्हें और ज़्यादा वेल इक्विप्ड बनाती है। कान में एयरपीस है ताकि जो वॉकी टॉकी है उससे जो बातचीत है वो पूरी तरीके से एक हाथ उसके लिए डिस्टर्ब ना करना पड़े, और आपका पूरा का पूरा फोकस आपके दुश्मन के एक तरीके से आपके टारगेट पर है, और आपकी बातचीत जो है वो सीधे तौर पर हो रही है। तो आप इनकी पूरी की पूरी वर्दी को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड दिखेंगे यूपी एटीएस। अलग अलग तरह की इस तरह की जिम्मेदारियों में आप इन्हें पहुंचा हुआ, इन्हें मौजूद देखेंगे पूरी तरीके से, और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह के आयोजन को, जैसे ये आयोजन है 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का, इसको पूरी तरीके से सफल किया जाए। ये जिस गाड़ी में बैठते हैं वो अगेन बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, और उससे अंदर जब तक आप नहीं पहुँचेंगे तब तक आप इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। उस गाड़ी की खूबियां क्या है, क्योंकि वो गाड़ी अपने आप में एक ऐसा कवच है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है, जिस पर ग्रेनेड का अटैक असर नहीं करेगा, IED का अटैक असर नहीं करेगा, गोलियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, टायर पर भी गोली मारेंगे तो 80 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ जाएगी। क्या है ये गाड़ी, इसका नाम है महिंद्रा मार्क्समैन। आगे आप इसी के बारे में देखेंगे। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवालों का एक जवाब अपने आप में ये गाड़ी है। इसका नाम है महिंद्रा मार्क्समैन, जो कि एक लाइट कॉम्बैट व्हीकल है, LCV। इस गाड़ी की खासियत क्या है, इस गाड़ी की खूबी क्या है, किस तरीके से ये गाड़ी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है, किस तरीके से ये गाड़ी भारतीय डिफेंस फोर्स की बैकबोन है, उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से ही दिखाते हैं आपको। एक तो स्टेनलेस स्टील सिरेमिक, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ है। IED यानी इम्प्रोवाइसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस अगर आप देखोगे तो IED के झटके को भी पूरी तरीके से सहन कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ग्रेनेड का अटैक भी इस गाड़ी पर, कहीं इसके अंदर बैठे हुए जो जवान है उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। इस गाड़ी के अगर आप टायर्स देखेंगे, अगर आप इस पर बुलेट भी मारते हैं, अगर आप बुलेट हिट भी करते हैं, गोली चलती भी है इस गाड़ी पर, तो कम से कम 80 किलोमीटर तक उसी रफ्तार के साथ जा सकती है। 140 इसकी टॉप स्पीड है, और गोली लगने के बाद भी किन्हीं भी टायर्स पर, दिखने में बहुत साधारण है
लेकिन 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी उसके बाद सीधे तौर पर जा सकती है। 80 किलोमीटर तक गाड़ी पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी अगर दुश्मन टारगेट भी करता है टायर्स को, सो दैट आप स्पीड को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत में डाल सको, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा आप देखेंगे गाड़ी में आपको कहीं पर भी जो सारी की सारी चीजें हैं, पेट्रोल टैंक, एक हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे, पेट्रोल या डीजल टैंक, मतलब फ्यूलिंग का आपको पता नहीं चलने वाला है, इधर है, इधर है, कहां पर है, इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सारी गाड़ी में, पूरी गाड़ी की जो बॉडी है उसमें सेरेमिक यूज किया गया है, जिससे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी एक्सप्लोसिव कहीं से कोई असर ना छोड़ सके। फ्यूल टैंक को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है, ताकि अगर आप पूरी की पूरी गाड़ी पर अटैक करना चाहो, फ्यूल टैंक को उड़ाने की कोशिश करो, तो भी ये हिस्सा इस गाड़ी को पूरी तरीके से बचा लेगा। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, ये अलग अलग पॉट्स क्यों दिए गए हैं? जाहिर सी बात है, जब अटैक अगर हो रहा है, अगर बाहर से हमला हो रहा है, तो एक तो गाड़ी में ये खूबी है कि गाड़ी का आपको बाहरी हिस्सा कैमरे के माध्यम से दिख सकता है। पीछे गाड़ी में एक कैमरा दिया गया है, वो आपको दिखाऊंगा, वो भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहां से आप बंदूक की नली निकालकर बिना बाहर अपना, आपकी जो हेड पोजीशन है जिसको सबसे पहले टारगेट किया जाता है, वो ना देखते हुए, अगर आपको देखना भी है तो यहां पर से देखेंगे, और यहां पर भी पूरी तरीके से ग्रिल्स दिए गए हैं सपोर्ट करने के लिए। उसके अंदर एक बुलेट प्रूफ ग्लास है, जो कम से कम, अगर आप देखेंगे, 51 mm की बंदूक से जो गोली निकलेगी उसको पूरी तरीके से विफल कर सकता है। इसमें स्टील बुलेट्स भी है, क्योंकि दुश्मन अब हाल के समय में स्टील बुलेट्स का यूज करने लगे हैं, उस पर भी, उसका भी इस गाड़ी पर कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। शीशा तो बाद में आएगा, पहले आपको इस मजबूत जो ग्रिल है, इस ग्रिल को जो है वो आपको भेदना पड़ेगा। अब जब हम इस गाड़ी के पीछे के हिस्से में आते हैं, तो ये अगेन टूल किट्स है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे, ये जो कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें टूल किट है। गाड़ी को आप किसी भी जगह पर अगर आपको बेहतर बनाना है, तो आप इस टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों इसलिए दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था, कैमरा दिया गया है, माउंट व्यू दिया गया है आपको पूरी तरीके से, जिससे आप गाड़ी के बाहरी हिस्सों को देख सकते हैं। इस कैमरे को भी अगर आप देखेंगे, वेल प्रोटेक्टेड है बुलेट से, मतलब अगर कोई इसको भी निशाना बनाना चाहे कि गाड़ी में बैठे लोगों को पीछे का हिस्सा या बाहर की तरफ ना दिखाई दे, तो भी आप इसे देख सकते हो, ये पूरी तरीके से वेल प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी बैक पोर्शन पर भी एक ग्रिल दी गई है, जिससे आप इसे पूरी तरीके से सुरक्षित बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस की भी आपको अच्छी खासी समझ आएगी। गाड़ी को आप किसी भी रफ से रफ जगह पे ले जा सकते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा खासा है इस गाड़ी में, अगर आप सारी तरफ से देखेंगे। अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर भी एक पोर्टहोल दिया गया है, सात है कुल मिलाकर, तीन इस तरफ है, तीन इस तरफ है, और एक पीछे दिया गया है। यानी अगर कोई पीछे से दुश्मन पर हमला करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी व्यूइंग गैलरी हो गई, इस पे ग्रिल्स लगी हुई है, फिर अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास है, और यहाँ से आप सीधे निशाना बना सकते हो। अब हम आते हैं इस तरफ, अगेन यहाँ पर भी जैसा मैं कह रहा था, ये तीनों तरफ आपको बंदूक की नली निकालने के लिए स्पेस दिया गया है, गाड़ी को वेल प्रोटेक्ट किया गया है पूरी तरीके से। और जब आप इसमें आते हो, यहाँ पर मैं आपको अंदर की तस्वीर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो लॉकिंग सिस्टम है गाड़ी का, वो किसी भी आम गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने सीधा ये प्रेस किया और गाड़ी खुल गई, इस तरह का लॉकिंग सिस्टम नहीं है। लॉकिंग सिस्टम बहुत एडवांस है, ये आपको लीवर देखकर ही पता चल रहा होगा कि इस गाड़ी का जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी बहुत डिफरेंट है। अंदर पूरी तरीके से सिक्योर है, पांच लोगों के लिए ये सारी की सारी चीजें, ये आप देखिए कितना हेवी सारी की सारी चीजें, यहां तक कि अगर आप इसका रेयर व्यू मिरर भी देखेंगे, जो मतलब साइड रेयर्स आपको दिखाएगा, वो भी एक तरीके से नॉर्मल मिरर से बहुत ज्यादा एडवांस आपको नजर आएगा पूरी तरीके से। सामने की लाइट्स को सेव करने के लिए, इफ इट इज अ नाइट बैटल, तो सामने की लाइट्स को सेव करने के लिए पूरी तरीके से आपको ग्रिल्स दी जा रही है दोनों तरफ। और फिर जो मेन चीज है कि कहीं आप आगे हमला ना करो, तो यहां पर भी पूरी तरीके से ये ग्रिल्स दी गई है टू मेक इट रियली सेफ फॉर दी कमांडोज। और कमांडोज जो अंदर इसके बैठे हुए हैं, वो UPSTF के हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स के इसके अंदर कमांडोज बैठे हुए हैं। अलग अलग जगह पर ये गाड़ी दी जाती है, CRPF के पास भी है, CISF के पास भी है, पैरामिलिट्रीज में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग यूनिट्स के पास ये गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं, अमूमन तौर पर CISF, CRPF, UPSTF, स्टेट बॉडीज के लोग भी होते हैं। और जैसा मैं ऊपर आपको बता रहा हूं कि ऊपर अगर आप देखोगे, तो आपके पास पूरा का पूरा माउंट व्यू है। ये अगर आप व्यू देखोगे, तो आगे से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, पीछे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और
इसमें आपको पूरा का पूरा कम से कम 270 से 280 डिग्री का व्यू देता है ये पूरा का पूरा, जिससे आप खड़े होकर अपने दुश्मन पर निशाना लगा सकते हो। वहां पर भी जो पर्सनल खड़ा है उसको भी आगे से प्रोटेक्ट किया गया है, और पीछे से कोई टारगेट ना करे उसके लिए ये पूरा का पूरा हिस्सा है जो उसको पीछे से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। आगे से ये प्रोटेक्शन है, डबल सायरन है टू टेल द इमरजेंसी। ये कोई आम व्हीकल नहीं है, अगर ये किसी वजह से इन सायरन्स का इस्तेमाल कर रहा है दैट मीन्स सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसे ही कहीं पर नहीं निकाल दिया जाता है। यहाँ अयोध्या में इस तरह के व्हीकल्स आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज अगले आने वाले 3-4 दिनों में ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा VVIP हो जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। इस वजह से जब आप महिंद्रा मार्क्समैन को देखेंगे तो इसकी तैनाती यहाँ पर बहुत जरूरी बन जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी के अंदर की सीटिंग कैपेसिटी मुझसे जानना चाहें तो 5 लोग इसमें बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। मजबूरी पे अगर आपको लोगों को बढ़ाना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन 5 लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल करने के बाद आप पूरी तरीके से जो सिक्योर है। अगेन यहाँ पर भी अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है। टायरों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 80 किलोमीटर तक गोली लगने के बाद भी अगर इसके टायर्स पर कोई गोली मारता है तो 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी जो है वो जा सकती है। तो ये है महिंद्रा मार्क्समैन। अगर आप इसे भारत की डिफेंस फोर्स के लिहाज से देखेंगे तो हमारी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसका ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने कि क्यों जितना हम ऑफेंस में ताकतवर होना चाहते हैं उतना ही हम इस गाड़ी के साथ डिफेंस में मजबूत हो सकते हैं। सीधे सीधे मानकर चलिए कि अंदर बैठे 5 लोगों के लिए ये एक ऐसा कवच है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है।